हेलो बच्चों बच्चों, हम करते हैं क्लास 5 की वर्कशीट 12। इसमें हम करते हैं इंग्लिश। चैप्टर है हमारा 12, द टॉकेटिव बार्बर। इसको हिंदी में कहते हैं बातूनी नाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे लिखे हुए वाक्यों को पूरा करो। इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो हैं इफ़, सो, वाइल और अनलेस टिल। जो सो ऑप्शन है ये गलत है बच्चों, ये गलत दिया गया। इसके बदले ऑप्शन होना चाहिए था एंड। तो चलिए हम कंप्लीट करते हैं अपने सेंटेंसेस। फर्स्ट, वाइल आई एम कुकिंग द फूड यू कंप्लीट योर वर्क। मेरे खाना बनाते हुए तुम अपना काम पूरा कर लो। सेकंड, डू यू लाइक एप्पल और मैंगो। आपको एप्पल या मैंगो क्या पसंद है। थर्ड, आई हैव फिनिश्ड माई रीडिंग एंड राइटिंग वर्क। फोर्थ, इफ वी गो बाय बस वी विल बी लेट। अगर हम बस से जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे। फिफ्थ, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू स्टडी हार्ड। तुम्हें तब तक अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक कि तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे। सिक्स्थ, आई विल वेट हेयर टिल माई फ्रेंड्स कम। मैं यहाँ पर तब तक वेट करूँगा जब तक मेरा दोस्त नहीं आ जाता। क्वेश्चन नंबर 2, इन द स्टोरी टॉकेटिव बार्बर, बार्बर इज कॉल्ड टॉकेटिव बिकॉज ही टॉक्स अ लॉट। मैच द गिवन मीनिंग विद द करेक्ट वर्ड। टॉकेटिव बार्बर कहानी में बार्बर को बातूनी कहा गया है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बात करता था। अब नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं, उनको उनके सही वाक्य या शब्द से मिलाना है। फर्स्ट, अ पर्सन हु चैटर्स एट लेंथ। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसको हम बोलते हैं टॉकेटिव यानी बातूनी। सेकेंड, अ पर्सन हु कट्स मैंस हेयर एंड शेव्स बियर्ड्स एज एन ऑक्यूपेशन। ऐसा आदमी जो लोगों के दाढ़ी और बाल काटता है और यही उसका पेशा होता है, वो होता है बार्बर, बार्बर यानी नाई। थर्ड, लैकिंग द पावर ऑफ हियरिंग और हैविंग इम्पेयर्ड हियरिंग। जिसको सुनने में कठिनाई होती है या सुन नहीं पाता उसको डेफ यानी बहरा कहते हैं। फोर्थ, Unable to see because of injury, disease or a congenital condition. कोई व्यक्ति अगर किसी बीमारी, चोट या अपनी जन्मजात बीमारी की वजह से देख नहीं पाता उसको कहते हैं ब्लाइंड यानी अंधा। फिफ्थ, having no teeth, typically through old age. ऐसी कंडीशन जिसमें कोई दांत ना हो जैसे कि बुढ़ापा, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं toothless यानी दांतों से रहित। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देयर आर मैनी पीपल इन आवर लाइफ्स हु हेल्प अस इन मैनी टास्क लाइक बार्बर, टीचर्स एट्सेट्रा। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं जो बार्बर और टीचर की तरह हमारी मदद करते हैं। इन चित्रों में आपको ऐसे ही कुछ हेल्पर्स यानी हमारे सहायक के नाम दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं। आपको उनको पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। चलिए करते हैं इनको। फर्स्ट पार्ट में आते हैं। आई सेल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू यू। मैं आपको फल और सब्जियां बेचता हूं। इसको हम बोलते हैं वेजिटेबल सेलर यानी सब्जी विक्रेता। सेकंड, आई ड्राइव टैक्सी बस ऑटो रिक्शा टू हेल्प यू ट्रैवल। मैं टैक्सी बस ऑटो रिक्शा चलाता हूं जिससे कि आप सफ़र कर सको। ऐसा व्यक्ति होता है ड्राइवर। थर्ड, आई क्लीन द रोड्स स्ट्रीट्स इन योर एरिया। मैं आपके इलाके में सड़कों और गलियों की सफाई करता हूँ। इसको हम बोलते हैं स्वीपर। फोर्थ, आई टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मैं आपके स्वास्थ्य की जांच करता हूँ। इसको हम बोलते हैं डॉक्टर। फिफ्थ, आई कीप योर एरिया सेफ एंड सिक्योर। मैं आपके इलाके को सेफ और सिक्योर बनाता हूँ। इसको हम बोलते हैं पुलिस। सिक्स, आई सेल मैनी थिंग्स टू यू लाइक ब्रेड, मिल्क एट्सेट्रा। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बेचता हूँ जैसे ब्रेड और मिल्क। इनको बोलते हैं शॉपकीपर यानी दुकानदार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रीड द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कहानी को पढ़ो और इन खाली स्थान को भरो। फर्स्ट पार्ट है डैश वॉज अ ग्रेट टॉकर यानी डैश एक बड़ा बातूनी व्यक्ति था। इसमें हम लिखेंगे बार्बर वॉज अ ग्रेट टॉकर। सेकेंड पार्ट है सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। सुल्तान ने बार्बर को अपना सर मुंडवाने के लिए बुलाया था। थर्ड, बार्बर हैज़ 6 नंबर ऑफ ब्रदर्स। बार्बर के 6 भाई थे। फोर्थ, बार्बर इन्वाइटेड डैश टू हिज हाउस। बार्बर ने
अपने दोस्तों को अपने घर बुलाया। बार्बर लिव्ड इन कैशगर सिटी, बार्बर कैशगर शहर में रहता था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिखाया है कि हाउ टू मेक टी, चाय कैसे बनाई जाती है। इसमें है कि पहले आपको क्या करना है, किसी वैसल यानी बर्तन में पानी लेना है, उसको उबालना है। सेकंड में क्या करना है, आपको उसमें शुगर यानी चीनी डालनी है और चाय पत्ती डालनी है। थर्ड में क्या करना है आपको कि जब पानी उबल जाए तब आपको उसमें दूध मिल्क डाल देना है। फिर क्या है, थोड़ी देर उसको उबलने के बाद में आपको चाय को सर्व कर देना है। अब आते हैं इस पे, देखते हैं क्या कहता है। नाउ डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, अब नीचे दो प्रक्रियाएं दे रखी हैं, ठीक है। आपको इसमें दिखाना है कि हाउ टू मेक अ सैलड, आप सलाद किस तरह बनाते हो, या फिर हाउ टू वॉश योर हैंड्स, आप अपने हाथ किस तरह धोते हो। तो बच्चों जैसा कि आजकल कोरोना फैला हुआ है तो इसके लिए हाथ धोने की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो हम सेकेंड पार्ट करेंगे हाउ टू वॉश योर हैंड्स। चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट स्टेप है टेक सम वाटर एंड वेट योर हैंड्स, थोड़े पानी से अपने हाथों को गीला करो। सेकंड स्टेप टेक सम अमाउंट ऑफ सोप एंड स्क्रब योर हैंड्स, थोड़ा साबुन लेना है और अपने हाथों को अच्छे से रगड़ना और मलना है। थर्ड स्टेप रिंस योर हैंड्स विद क्लीन वाटर, फिर साफ पानी से अपने हाथों को धो लेना है। फोर्थ स्टेप में करना है ड्राई योर हैंड्स, अब अपने हाथों को सुखा लेना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द बार्बर वॉज टॉकेटिव, बार्बर बहुत बातूनी था। हु इन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके परिवार या दोस्तों में से इनमें से कौन कौन के अंदर या किस किस के अंदर ऐसी विशेषताएं हैं। फर्स्ट है ब्रेव, ब्रेव होता है बहादुर, बहादुर जो है ये मेरे पापा हैं। सेकेंड है नोटी, नोटी का मतलब होता है नटखट, तो नोटी कौन है, मेरा ब्रदर। थर्ड है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बहुत मजबूत, तो मेरी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है यानी मेरी मदर। फोर्थ हेल्पफुल, हेल्पफुल का मतलब होता है आपकी हेल्प या सहायता करने वाला, तो मेरी सिस्टर बहुत हेल्पफुल है। और फिफ्थ है पोलाइट, पोलाइट का मतलब होता है बहुत प्यार से और आराम से बात करने वाला, तो मेरे टीचर जो हैं वो बहुत पोलाइट हैं। बच्चों हमने ये वर्कशीट कंप्लीट कर ली है इंग्लिश की। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।